दोस्तों ये MI का नॉट एट मोबाइल है और इसमें अगर आपके चार्जिंग की दिक्कत आ रही है, चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन, या फिर आप चार्जर सॉकेट लगा रहे हैं और फिर भी आपके थोड़े टाइम तो चार्ज होता है, एक दो दिन में कस्टमर वापस आ जाता है कि भैया नहीं हो रहा है, तो आप चार्जर सॉकेट बदलेंगे, फिर आप अपना वोल्टेज चेक करेंगे, सब चेक करेंगे, सब ओके है, फिर भी ये चार्जिंग है जो नहीं हो पा रहा है। तो आपको इसमें करना क्या है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला तो ये है कि ये जो दिख रहा है वो आपका मोबाइल का मेन बोर्ड है, जो सब बोर्ड है, मेन सब बोर्ड इसका। तो सब बोर्ड की ये लाइन देखेंगे आप तो ये आपके वीबस की लाइन है, ये जो जा रही है वो वीबस की लाइन है। पहले क्या है कि ये पॉइंट है जो चार पांच पॉइंट इधर बीच में देते थे, तब अभी मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें कटती नहीं थी और ये ख़राब नहीं होता था बार बार और ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती आ रही है ये वाली है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव लाइन है, ये जो आपके पॉजिटिव वीबस की जो लाइन है, ठीक है, जब यहाँ से आपके पत्ता जब यहाँ पे कनेक्ट होता है आपका, तो इससे होते हुए आपके ऊपर जो 5 वोल्टेज है वो निकलता है, जो वीबस की जो सप्लाई है उस तक पहुँचता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ तक अपना 5 वोल्टेज बराबर पहुँच रहा है लेकिन यहाँ तक प्रॉपर नहीं पहुँच रहा, हो सकता है 4 वोल्टेज पहुँचे, हो सकता है 3 वोल्टेज पहुँचे, तो क्या करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है जो साइड का ये वाला जो पार्ट है ना, जो आप देखेंगे अभी साइड का ये वाला जो पार्ट है ना, वो एक्चुअल में ख़राब हो जाता है। ये या तो आप कनेक्टर बदलिए, कनेक्टर बदलने से अच्छा है मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो कर दीजिए, तो आपकी बेजामारी ख़त्म हो जाएगी। आपको 3 लेयर का वायर लेना है, जंपर वायर। जंपर वायर को आपको करना क्या है, जो ये लाइन मोटी वाली लाइन दिख रही है, भले आप यहाँ से ले सकते हैं, भले यहाँ से भी ले सकते हैं, इसका कनेक्शन है जो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप भले यहाँ से ले सकते हैं कनेक्शन इसका, और ये जो लाइन जा रही है, और ये देखिए यहाँ से भी ले सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। अगर 3 लेयर का वायर लेना आपको और आपको लगा देना है यहाँ पे, जैसे आप इसको लगाएंगे तो आपके ये जो सारी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व हो जाएगी, 110% आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फैक्ट चार्जिंग की भी दिक्कत आ रही है तो इसको पहले चेक करो, 5 वोल्टेज कभी निकालेगा नहीं निकालेगा, इससे बढ़िया आप इसे यहाँ पे जंपर लगा दो, आपके बेजामारी है रोज़ की माता बची आपकी ख़त्म हो जाएगी और कस्टमर आपका दोबारा नहीं आएगा आपको बार बार तंग करने के लिए। आप भले सॉकेट कितने भी डालेंगे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर सोल्यूशन है इसका, और आगे की सप्लाई है जो कभी मैं मेरे पास ऐसा कोई फॉल्ट आएगा रिपेयर के लिए तो मैं बिल्कुल आपको बना के बताऊँगा, और आगे अगर IC तक का भी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे 5 वोल्टेज आपको चेक करना है बाद में भी, ठीक है ना। और 3 लेयर का वायर लेना है, 1-2 का लोगे जल जाएगा, इससे बढ़िया है 3 लेयर का वायर लेना है, आपके कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। या फिर ईयरफोन का वायर जो रहता है उसको कट करके लगाइए, यहाँ पर सबसे बेहतर वायर वही है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया, पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।